तो मेरा नाम है शुभम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा DSSB पोस्ट कोड 99/20 का 22 तारीख का ये फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस है। तो पूरी वीडियो एंड तक देखते रहना। और हाँ, इसके रिगार्डिंग मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना रखा है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में आ रहा है। ज्वाइन करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए जो मेरे पास बच्चों ने भेजे। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन आया GK में, सोडियम बाई कार्बोनेट का यहाँ पर फॉर्मूला पूछा था। ठीक है, कुचिपुड़ी का डांस पूछा था यहाँ पे। ठीक है, और एक क्वेश्चन था यहाँ पे, विकास सप्पा कौन से गेम से मतलब रिलेटेड है या खेलते हैं, बात वही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे करते हैं आजाद शत्रु का वन से क्वेश्चन था। ठीक है, नियरेस्ट रिवर ऑफ बाबा देव। ठीक है, ये मुझे क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आया, कहीं पे बड़ा देवता कहीं पे बूढ़ा देवता, मुझे समझ नहीं आया। अगर किसी को पता है तो एग्जैक्ट तो नीचे कमेंट करके आप बता देना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है हु पासिस द बिल, यानी कि बिल कौन पास करता है, PM, होम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट। इसका यहाँ पे आंसर आप नीचे कमेंट करके बताना मुझे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ब्रह्मपुत्र में बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके महाबलेश्वर से निकलने वाली नदी कौन सी है, और जब हम प्याज काटते हैं तो उसमें से कौन सा मतलब क्या निकलता है, तो वो पूछा था। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट बैटल ऑफ टरेन में कौन हारा था, ये पूछा था। एक क्वेश्चन था यहाँ पे कि साइमन कमीशन कब आया। ठीक है, और नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया था 2019 में, PM का नाम था, मतलब PM का नाम बताना था कोई किसी कंट्री का। ठीक है, बंगाल में मकर संक्रांति फेस्टिवल को किस नाम से जानते हैं, एक क्वेश्चन ये था। ठीक है, एक था कुषाण डायनेस्टी का रूलर पूछा था। RBI ने ऑनलाइन एक्शन के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निकाला, उसका नाम पूछा था। ठीक है, RTI कब आया, राइट टू एक्ट 2005 में आया था ये। ठीक है, एक क्वेश्चन मुझे ये भी समझ नहीं आया, संगठन शासन के बारे में पूछा हुआ था। ठीक है, बैंकिंग से दो चार क्वेश्चन थे, दो बुक आई हुई थी। इंग्लिश में जो पैसेज है वो वोल्केनो से रिलेटेड है। देखो, इंग्लिश में जो पैसेज है ना, वो मतलब एक तरह से GK का क्वेश्चन आ रहा है, मतलब जनरल आ रहा है, ऐसा नहीं कोई मनगढ़ंत कहानी चल रही, नहीं। अगर आपको कई बार क्या हो रहा है, बच्चों को पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ रही। जैसे कि अभी एक हिंदी में भी एक पैसेज आया था आम आदमी पार्टी के ऊपर, उसमें क्या नाम था, आम आदमी पार्टी की सारी डेट थी, कब आया, कब शुरू हुआ। अगर आपको वो सारा पता है तो आपको वो पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं, आप पाँचों के पाँचों क्वेश्चन यूँ कर सकते हो। सेम ऐसा यहाँ पे वोल्केनो पे भी, वोल्केनो की यहाँ पे बेसिक चीज़ बता रखी थी। अगर आपको वोल्केनो के बारे में पता था तो आप जो नॉर्मल है वो यहाँ पे बहुत ही आराम से मतलब बिना पैसेज पढ़े आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हिंदी में भी सेम वही है। ठीक है, पैसेज थोड़ा मुश्किल आया था, इन भाई ने यही बताया। 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे विराम चिन्ह के थे, ये काफ़ी मतलब ये चैप्टर आप जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो बस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन रह गया हो मेरे हिसाब से तो नीचे कमेंट कर देना ताकि मैं उसे पिन कर सकूँ। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।